महापुरुषों के मध्य प्रसिद्ध है कि चार धामों में कलियुग का धाम श्री जगन्नाथपुरी, सतयुग का धाम श्री बद्रिकाश्रम बद्रीनारायण भगवान, त्रेता का धाम श्री रंगनाथ धाम श्री रामेश्वरम धाम, द्वापर का धाम श्री द्वारिकापुरी और कलिकाल का धाम श्री जगन्नाथपुरी। घोर कलिकाल के आने पर गंगा यमुना आदि भी इस पृथ्वी का त्याग कर देंगी, गंगा त्यजत मेदिनी, इस प्रकार के वचन आए। और वस्तुतः गंगा यमुना आदि का अत्यंत प्रदूषित हो जाना, उनकी धारा के स्वरूप को समाप्त कर देना या विकृत बना देना, यही उनका इस धरती से उठ जाना है। देवताओं के विग्रहों में देवत्व भी नहीं रहेगा, देव प्रतिमाएं देवत्व को छोड़कर चली जाएंगी कराल कलिकाल के आने पर। लेकिन चाहे जितना भयंकर युग आ जाए, श्री जगन्नाथ जी की महिमा यथावत ही बनी रहेगी। जगन्नाथ जी के स्वरूप में कभी देवत्व की निवृत्ति नहीं होगी, साक्षात जगन्नाथ जी। अन्य अन्य तीर्थों में जाने से न जाने कौन कौन से क्लिष्ट साधन करने पड़ते हैं, तब जीव को लाभ की प्राप्ति होती है। यहां तो केवल प्रसाद सेवन मात्र से वह मुक्त हो जाता है। जगन्नाथ जी का प्रसाद साक्षात श्री जगन्नाथ जी स्वयं जगन्नाथ हो जाए, प्रसाद रूप में जगन्नाथ जी सबके भीतर प्रवेश करते हैं। जय मिनीरुवाच तीर्थश्रेष्ठमिति प्रोक्तम् यत्वया पुरुषोत्तमम् तन्माहात्म्यम् गुरो ब्रूहि यदि ते मय्यनुग्रहः। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के शिष्य महर्षि जैमिनी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान व्यास जी से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आपने तीर्थों की महिमा के प्रसंग में यह कहा कि श्री जगन्नाथ श्रेष्ठतम तीर्थ है, पुरुषोत्तम तीर्थ को आपने सर्वोपरि कहा, लेकिन इसकी महिमा आपने नहीं सुनाई, आप कृपा करके इसकी महिमा सुनावें। आपने इसे पुरुषोत्तम तीर्थ कहा तो तन महात्म्यम गुरु ब्रूही, हे गुरु वो महात्म्य आप हमको सुनाइए। यदि ते मय्य अनुग्रह, यदि आपकी विशेष कृपा मेरे ऊपर है तो आप कृपा करके सुनाओ। इसका मतलब है कि विशेष कृपा जब होती है महापुरुषों की, गुरुजनों की, तभी इस प्रकार के रहस्यों को सबके सामने खोलकर कहा जाता है, अनधिकारी के सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए। यदि ते मय्य अनुग्रह, यदि आपकी मेरे ऊपर विशेष कृपा है तो कहिए, क्योंकि गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहीं आरत अधिकारी जब पावहीं। आर्त अधिकारी जब उन्हें दिखाई पड़ता है तो गूढ़ से गूढ़ तत्व को महापुरुष छिपाते नहीं, स्पष्ट कर देते। हे भगवान, इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र क्यों कहा जाता है, आप कृपा करके बताएं। व्यास उवाच पुरुषोत्तमस्य महात्म्यम समानशेन शृणुम द्विज। हे ब्रह्मर्षि जैमिनी, समास क्रम से पुरुषोत्तम महात्म्य का श्रवण करो।
तो क्या आपके पास अवकाश नहीं है विस्तार से कहने का? आपका तो नाम ही व्यास है, फिर आप समास में क्यों सुनाना चाहते हैं? अपने नाम को चरितार्थ करते हुए व्यास पद्धति से ही सुनाइए। व्यास जी कहते हम सुना तो सकते हैं, लेकिन बस बात यह है कि हम सुनाते ही चले जाएंगे, पर महात्म्य इतना अनंत है कि हम कब तक कहेंगे और तुम कब तक सुनोगे। इसलिए साक्षात भगवान श्री हरि वे समर्थ हैं इसको कहने में, लेकिन समर्थ होने के बाद भी संपूर्ण महात्म्य वे भी नहीं कह सकते। उनको भी अंत में यही कहना पड़ेगा कि बस अनंत महात्म्य है। ऐसी जगन्नाथपुरी की, पुरुषोत्तमपुरी की महिमा है। शक्तो विष्णुना विना लवणाम्भो निधे स्थिरम पुरुषोत्तम संगीतम पुरम तद ब्राह्मण श्रेष्ठ स्वर्गादपि दुर्लभम। खारे समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम नामक पुरी प्रतिष्ठित है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यहां स्वर्ग का अर्थ केवल स्वर्ग नहीं है, क्योंकि जैसे श्रीमद् भागवत में सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत, वहां स्वर्ग शब्द का अर्थ स्वर्ग लोक नहीं है। नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इतना बड़ा अनुष्ठान लेकर बैठे हैं, ऐसा नहीं। स्वरलोके गीयते स्तूयते इंद्रादिभिः असौ स्वर्गायो हरिः। ठीक इसी प्रकार से यहां जो स्वर्ग शब्द आया है उसका अर्थ है कि स्वर्ग से लेकर और ब्रह्मलोक वहां तक उन सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात इस चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में श्री पुरुषोत्तम पुरी श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठतमा है पुरुषोत्तम की, सबसे श्रेष्ठ है। कहते इसका नाम पुरुषोत्तम पुरी क्यों नाम है? कहते हैं कि इस पुरी के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम ही विराजमान है। इस पुरी के रूप में भी वे स्वयं ही हैं, माने स्वयं में ही स्वयं का विलास हो रहा है। ये जगन्नाथ पुरी भी साक्षात जगन्नाथ स्वरूप है, जगन्नाथ जी में जगन्नाथ जी का विलास हो रहा है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम पुरी कहते। स्वयमस्ति पुरे तस्मिन् नितः श्री पुरुषोत्तम। इस पुरी के रूप में स्वयं भगवान ही विराजमान है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम पुरी कहते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का ही नाम है, भगवान जगन्नाथ का ही वाचक है। पुरुषोत्तम मित्युक्तम तस्मान तन्नाम कोविदई। पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को कहते हैं और पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी ही इस पुरी के रूप में है, इसलिए इस रहस्य के जानने वाले इसे पुरुषोत्तम जगन्नाथ का स्वरूप पुरी मानते हैं। ऐसी पुरी तब प्रश्न उठा कि जगन्नाथपुरी कितनी लंबी चौड़ी है, कहां तक है जगन्नाथपुरी? श्री क्षेत्र मंदिर से लेकर गुंडीचा तक कि आगे बाली घाई में जो रामेश्वर महादेव हैं, शंख क्षेत्र वहां तक कहां तक है? तो महाराज जी पद्म पुराण के इस 18वें अध्याय में तो लिखा है 5वें श्लोक में, क्षेत्रम तद दुर्लभम विप्र समन्ता दशयोजनम। दशयोजन का समन्तात माने चारों ओर से ये दशयोजन है। दशयोजन का अर्थ है 40 कोस। 40 कोस का अर्थ है 120 किलोमीटर के क्षेत्रफल में श्री जगन्नाथपुरी विराजमान। इसके प्रमाण के अनुसार है स्कंद पुराण में भी लिखा है, बाबा बोल रहे हैं दश योजन तक पुरुषोत्तम पुरी है। तो हम तो समझते हैं कि संभवतः ये भुवनेश्वर भी उसी के
है कटक तक, कटक के भी और आगे लो साहब। धन्य बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। कितने उदार हैं जगन्नाथ जी, अपनी सीमा को भी खूब है, कोई संकोच का काम नहीं। इस दशयोजन में रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं, कहते तत्रस्थ देहिनो देवैर दृश्यन्ते च चतुर्भुजा। देवता लोग इस 120 किलोमीटर के क्षेत्रफल के लोगों का दर्शन करते हैं, तो इस 120 किलोमीटर के क्षेत्र में उन्हें मनुष्य नहीं दिखाई पड़ते हैं देवताओं को, सर्वे चतुर्भुजा। अब हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहां हम आप सब जितने बैठे सब चार चार भुजा वाले हैं। हाँ, जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते ही सब चतुर्भुज हो जाते हैं, प्रवेश करते ही। हमारे श्री वृंदावन महात्म्य के संबंध में श्री प्रबोधानंद जी महाराज ने अनुग्रह किया है, वृंदावन की सीमा में कोई कीड़ा मकोड़ा प्रवेश कर ले वो सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का स्वरूप हो जाता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। अग्नि में पड़ी हुई वस्तु आग बन जाती है, ऐसे ही धाम में जो वस्तु आ गई, जड़ हो चेतन हो, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। पुरुषोत्तमपुरी में आने वाले सब चतुर्भुज रूप हो जाते हैं। तत्रस्थ देहिनो दैवीर दृश्यन्ते च चतुर्भुजाः प्रविशन् वैतु तत्क्षेत्रम् सर्वेषु विष्णुमूर्तयः। प्रविशन् वैतु तत्क्षेत्रम्, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रवेश करते ही जीव विष्णु मूर्ति हो जाता है। तस्मात् विचारणा तत्र न कर्तव्या विचक्षणैः। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि पुरुषोत्तम पुरी में प्रवेश करने के बाद फिर विचार न करे। पुरुषोत्तम पुरी में पहुंच करके फिर बहुत अधिक विचार न करे। साधकों को भगवान की बलवती माया को जीतने में कई जन्म लग सकते हैं, लगते हैं। मम माया दुरत्यया, किंतु वैष्णव केवल और केवल भगवत प्रसाद का समादर करके भगवान की अजेय दुर्जय माया को जीत लेता है। परम भागवत उद्धव जी कह रहे हैं, त्वय्योपभुक्त सद्गंध वासो अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासास तब मायाम जय में। तो भैया, बहुत से आचारी विचारी होना ही चाहिए, लेकिन यहां लिखा हुआ है बहुत से आचारी विचारी ऐसे हैं जो श्री जगन्नाथ जी में भी आचार विचार ज्यादा दिखाते हैं। इसलिए तस्माद् विचारणा तत्र न कर्तव्या विचक्षणैहि। जो पुरुषोत्तम पुरी की महिमा को जानने वाले हैं उनको किसी भी अवस्था में यहां विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वे स्युः विष्णुमूर्तयः, यहां सब विष्णुमूर्ति हैं, तो विष्णुमूर्ति के स्पर्श से कहीं दोष थोड़ी लगेगा। इसलिए चांडाले नापि संस्पृष्टम ग्राह्यम तत्रान्नम अग्रजैहि। अग्रजैहि ब्राह्मणों के द्वारा, यहां के चांडाल के द्वारा स्पृष्ट अन्न प्रसाद भी ग्राह्य है। चांडाल स्पर्श कर दे तो भी वह अन्न प्रसाद अत्यंत अत्यंत आदर के योग्य है, ग्राह्य है। क्यों? चांडाल के द्वारा स्पष्ट भी महाप्रसाद पुरुषोत्तमपुरी जगन्नाथपुरी में ग्राह्य क्यों है? उत्तर दे रहे हैं भगवान व्यास, साक्षात विष्णुर यतस्तत्र चांडालो द्विज सत्तम। हे द्विज सत्तम जैमिनी, ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ जैमिनी, यहां का जो चांडाल है
वो भी साक्षात विष्णु है। इसलिए भेद नहीं है। तो इसलिए अग्रजई ही चांडाले नापि संस्पृष्टम ग्राह्यम तत्रान्नमग्रजई ही ब्राह्मणादि के द्वारा भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि साक्षात विष्णु रियतस तत्र चांडालो द्विज सत्तम। साक्षात विष्णु ही वहां, चांडाल भी विष्णु रूप ही है। तो चांडाल विष्णु रूप है तो उसको छूने से अशुद्ध कैसे हुआ? और रसोई बनाने वाला कौन है? रसोई कौन बनाता है? महाराज जी लिखा है तत्रान्न पाचिका लक्ष्मी स्वयं भोक्ता जनार्दन। साक्षात लक्ष्मी जी अन्न पाचिका हैं, साक्षात भगवती श्री जी ही अनंत रूप धारण करके अपने प्राण जीवन धन के लिए पाक सिद्ध करती हैं, रसोई सिद्ध करती हैं। बड़ी विचित्र महिमा है जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी के जो सुवार हैं, उनकी रसोई सिद्ध करने वाले, आपके मुख से हमने सुना था और स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी के भी मुख से सुना था और एक सुवार के मुख से भी हमने सुना कि महाराज हम लोग ठाकुर जी की रसोई बनाते हैं तो हम अमुक हैं ये उस समय भाव नहीं रखते हैं। हम भाव रखते हैं कि हम जगन्नाथ जी की घरवाली हैं और जगन्नाथ जी के लिए रसोई बना रहे हैं। वो अपने को जगन्नाथ जी की गृहिणी मानते हैं और इतनी पवित्रता से जगन्नाथ जी की रसोई बनती है कि शायद इतने शौचाचार का पालन रसोई बनाने में सर्वत्र कम संभव है। इतना शौचाचार जगन्नाथ जी, आज भी वहां कोई गैस का और मिट्टी के तेल का सबका प्रवेश ही नहीं है। वहां आज भी सब रसोई लकड़ी पर ही सिद्ध होती है, भीतर कोई जा नहीं सकता है, बांध करके मुख तब पूरी रसोई सिद्ध होती है। सारी रसोई कुआ के जल से सिद्ध होती है। महाराज जी ने एक बार दर्शन कराया था, कैसा वो जगन्नाथ जी का प्रभाव, स्वयं साक्षात भगवती महालक्ष्मी तत्रान्न पाचिका लक्ष्मी स्वयं भोक्ता जनार्दन। और स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ भोक्ता हैं, तस्मात् तत्रौदनं विप्रैहि देवतैः विप्र देवतैरपि दुर्लभम दैवतैरपि दुर्लभम। कहते वहां का जो महाप्रसाद है, ओदन प्रसाद है, भात प्रसाद है, वह मनुष्य की तो चले क्या, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देवताओं को भी दुर्लभ है। संसार में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? व्यास जी कह रहे हैं सबसे दुर्लभ चीज संसार में क्या है? हरि भुक्तावशिष्टम यत् पवित्रम भुवि दुर्लभम अन्नम ये भुञ्जते लोकास्तेषां मुक्तिर्न दुर्लभा। भगवान के पा लेने के बाद जो अवशिष्ट है, बचा हुआ है, वो जो भगवान का प्रसाद है, वह इस धरती की सबसे पवित्र वस्तु है, भगवत प्रसाद। और वह पवित्र भगवत प्रसाद भुवि दुर्लभम, इस धरती पर अत्यंत दुर्लभ है। और देखो संपूर्ण नैवेद्य जगन्नाथ जी के भीतर जाता है, छोड़ा नहीं जाता कुछ भी। रसोई घर में कुछ छोड़ा नहीं जाता कि थाल में भोग लगा के ले गए फिर मिला दिया, ऐसा नहीं है। जगन्नाथ जी में परिपाटी नहीं, जितनी सामग्री तैयार है वो सबकी सब जगन्नाथ जी में जाती है। सब महाप्रभु आरोपते हैं और सब प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। और भोग की पद्धति भी यही है। हाँ हम लोग जो करते हैं वो गड़बड़ करते हैं, वो ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए वैसा। महाराज जी लिखा है इसी प्रकरण में ये बात लिखी है,
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। किंचित् पाकं विधायै तद् भोक्तव्यं तु मया नहि अनिर्वेद्यहरौ अनिवेद्यहरौ सर्वं वैष्णवैर्नैव भुज्यते। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 108 के सातवें श्लोक में लिखा है कि रसोई बनाकर, थोड़ी सी रसोई बनाकर उसमें से निकालकर ले जाना। बहुत ध्यान से सुनो भाई, हम सब लोगों के काम की बात है। रसोई में से थोड़ी सी रसोई, अभी बन रही रसोई पूरी बनी नहीं है, रसोई का काम चालू है, और उसमें से थोड़ी सी सामग्री ला करके ठाकुर जी को भोग लगा देना। भगवान कहते हम पूरा पूरा पाते हैं, अधूरा नहीं पाते हैं। पूरी पूरी की पूरी सामग्री भगवान के दृष्टि पथ में आनी चाहिए। अनिवेद्य हरौ सर्वम, भगवान को संपूर्ण निवेदन किए बिना वैष्णवैर नैव भुज्यते। जब तक पूरे के पूरा पदार्थ भगवान को निवेदित नहीं किया गया, तब तक वैष्णव उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब बात यह है कि हमको गरम गरम रोटी खानी है, ऊपर से गुब्बारा सी फूलते हुए कड़की से करके आवे तब हमारी थाली में आवे, तो भैया प्रसाद के नाम पर पदार्थ का आस्वादन करते हैं, कैसे प्रसाद का लाभ मिले। हमारे वृंदावन में विश्व राधा मनलाल जी में, राधा वल्लभ जी में संपूर्ण रसोई संपन्न हो जाती है, तब ठाकुर जी तो वहीं पधारते हैं पाने के लिए। जहां रसोई घर है वहीं पधारते हैं। और पता नहीं राधा मनलाल जी भी कुर्सी टेबल लगाते हैं क्या? हाँ, वहां राधा वल्लभ जी में तो बड़ा एक टेबल है और ठाकुर जी गोद में उठा के लाते हैं और वहीं पधरा देते हैं रसोई घर में ही, और संपूर्ण सामग्री भगवान के सामने भोग धराते हैं, पूरी सामग्री। ठाकुर जी के भोग लगने के बाद फिर कुछ बनता नहीं है, बनना भी नहीं चाहिए, वही प्रसाद सबको लेना चाहिए। भगवान को अर्पित होना चाहिए, कुछ भी उसमें से बचाना नहीं चाहिए। और सुन लो, भगवान को भोग लगाने के बाद फिर प्रतीक्षा करनी चाहिए। यहां भी बहुत ध्यान से सुनिए, जगन्नाथ जी के महात्म्य में लिखा है, यहां भी आप जगन्नाथ जी में जाकर महाप्रसाद पाते हैं तो ऐसा प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कोई एक वैष्णव सामने से निकल आवे, उसको कहें भैया तुम भी महाप्रभु का महाप्रसाद ले, बिठा के पवाना चाहिए। वैष्णव को महाप्रसाद जगन्नाथ जी का पवाने का क्या फल है? कहते ससागराम च पृथ्वीम दत्वा चैव तु यत् फलम तत्फलम समवाप्नोति भुक्ते ह्येके तु वैष्णवे। एक वैष्णव जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण कर ले तो संपूर्ण सप्त दीपवती पृथ्वी के दान का पुण्य उस प्रसाद पवाने वाले को तत्काल प्राप्त हो जाएगा। इतनी महिमा है। इसलिए बोले लक्ष्मी जी साक्षात यहां अन्नपाचिका हैं और भोक्ता स्वयं भगवान हैं, इसलिए ब्राह्मणों को भी यहां का प्रसाद लेना चाहिए। हरि भुक्ता वशिष्टम यत् पवित्रम भुवि दुर्लभम अन्नम ये भुंजते लोकास्ते साम मुक्तिर्न दुर्लभा। जगन्नाथ जी का अन्न प्रसाद महाप्रसाद जो लेते हैं उनके लिए दुर्लभ नहीं है। कहते हैं भैया कहां तक कहें, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के लिए ब्रह्मादि देवता भी तरसते हैं, ब्रह्मादि देवता भी चाहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का अधरामृत हमें मिले। ब्रह्माद्यास्त्रजसा सर्वे तदन्नम अति दुर्लभम भुंजते नित्यमागत्य मानुषाणां चका कथा। नित्यम आगत्य भुंजते, ब्रह्मादि देवता ठाकुर जी, ब्रह्मादि देवता नित्य प्रति आकर जगन्नाथ जी का अधरामृत प्रसाद लेते हैं। मनुष्यों की तो कथा ही क्या है।
अब एक बात और कह रहे हैं, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में जिस भाग्यहीन का चित्त रमण नहीं कर रहा है, नयस्य रमते चित्तम तस्मिन नन्ने सुदुर्लभे। इस अत्यंत सुदुर्लभ जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में जिसका चित्त रमण नहीं कर रहा है, आनंद का अनुभव नहीं कर रहा है, तमेव विष्णु द्वेष्टारम प्राहु सर्व महर्षयः। सारे महर्षि जो जगन्नाथ जी के अन्न प्रसाद में रस का आस्वादन नहीं करते हैं, सारे महर्षि उसको विष्णु द्रोही मानते हैं। प्रसाद का द्रोही विष्णु का द्रोही है, प्रसाद का भक्त विष्णु का भक्त है। क्या नहीं? बोलो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। कहते पवित्रम भुवि सर्वत्र यथा गंगा जलम द्विज तथा पवित्रम सर्वत्र तदन्नम पापनाशनम। जैसे गंगा जल सदा पवित्र ही होता है, ऐसे ही महाप्रसाद भी सदा पवित्र ही होता है। साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। क्रकच के उदर में प्राप्त अन्न भी उगला हुआ अन्न भी अघ को नष्ट करने वाला है, ऐसा महाराज जी ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। पूर्वार्जितानि पापानि क्षमयान्ति यास्यन्ति यस्य वै भक्ति प्रवर्तते यस्य तस्मिन्नन्ने सुदुर्लभे। 14वें श्लोक में लिखा है, जिसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं उसकी जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो जगन्नाथ जी के प्रसाद में विशेष भाव जागृत हो जाएगा। और सुन लीजिए, अनेक जन्मों का पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है जब जगन्नाथ जी के प्रसाद में व्यक्ति विचार करने लग जाता है कि अरे आज तो अमुक त्योहार है, आज अमुक है, पता नहीं इसने छू दिया उसने छू दिया, ये कच्चा है ये पक्का है, ऐसा विचार करने लग जाता है, उसके अनंत जन्मों के पाप पुण्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बहुजन्मार्जितम पुण्यम यस्य यास्यति संशयम तस्मिन्नन्ने द्विजश्रेमे तस्मिन्नन्ने द्विजश्रेष्ठ तस्य भक्तिर् न जायते। अनंत जन्मों के पुण्यों का जिसका नाश हो जाता है उसकी जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।